नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले मैं ब्लॉग बनाने वाली हूँ उसको छोड़कर पहले मैं अपने गुड न्यूज़ से शुरू करती हूँ। वो ये है कि मेरी नानी नानी की तीन बेटियाँ जो कि मेरी मम्मी है और दो मेरी मासी है, चार जने आ रहे हैं अरुणाचल से सीधे दिल्ली, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नानी सॉरी मौसी पहले भी आ चुकी है, मगर जो मेरी नानी है वो पहली बार, जब वो जिस जगह वो पैदा हुई थी वहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं गए हैं। अरुणाचल तो बहुत दूर की बात है, अरुणाचल में पैदा हुई थी ना, जो जिस छोटे से गांव में डम्बुक जहाँ पे पैदा हुई थी वहाँ से भी वो कभी बाहर नहीं गई है। तो अचानक से इतने दूर दिल्ली तक का सफ़र, आई कैन नॉट इमेजिन कैसे आएंगे, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं जब दिल्ली में हूँ तो वो आ रहे हैं। एक दिल में रहता है कि आपके मम्मी या आपके नानी दादा को आप कुछ खरीद के दें अपने सैलरी वगैरह से, तो वो लोग आ रहे थे, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। वो लोग आएंगे, उनको शॉपिंग वगैरह कराऊंगी, दिल्ली घुमाऊंगी जितना मुझसे हो पाएगा। और सेकेंडली ये जो ब्लॉग है वो इसलिए है कि वो लोग आने वाले हैं तो थोड़ा बहुत तैयारी करना पड़ेगा, और मेरे पास एक पुराना कूलर है उसको मैं अभी साफ़ सफाई करके उसको फिक्स करूँगी, क्योंकि वो लोग तो है पहाड़ी लोग, अब जब आएंगे तो आई डोंट नो मतलब गर्मी कितनी लगेगी उनको दिल्ली में। गर्मी तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, मगर उनके लिए क्योंकि वो लोग थके हारे आएंगे तो आई फील लाइक कि जब वो लोग यहाँ बैठे तो उनको ठंडक महसूस हो। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं अभी अपना कूलर को पहले साफ करते फिर चला के देखते, अगर नहीं अच्छा हुआ तो या तो नया खरीदना पड़ेगा या तो किसी को बुलाना पड़ेगा उसको फिक्स करने के लिए। दिस इज़ द कूलर आई हैव। ये कंबल है जो विंटर में पहना था मैंने, इसको मैंने धोने के लिए धोबे में दे दूंगी, अभी के लिए इसको यहाँ रख देते हैं। वैसे तो मैं नॉर्मली साफ करती रहती हूँ इसको, फिर भी और एक बार साफ कर ही देते हैं चलाने से पहले, क्योंकि वी डोंट नो कि जब मैं इसको ऑन करूंगी तो यहाँ से कितना धूल धूल मिट्टी उड़ेगा। आई कैन सी, डर भी लग रहा है। जब भी मैं किसी चीज़ के अंदर से झांकती हूँ मुझे एकदम होड़ों वाली फीलिंग आती है, हाँ अंदर से किसी का आँख निकल आएगा। एक बार इसको साफ कर देती हूँ मैं कपड़े से। यहाँ से पानी ऑन कर देते हैं, मैं इस कूलर को सोच रही हूँ यहाँ पे शिफ्ट करने की, जहाँ पे खिड़की होगा ताकि हवा यहाँ से चला जाए, रूम में उमस ना हो। अरे यार वो जगह अब खाली खाली सा लग रहा है, इसके पीछे मैंने आटा रखा था। यहाँ लगाने से पहले इसको साफ कर लूं। कूलर को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया ताकि पीछे से इसका हवा चला जाए। इसका अंदर दिखाती हूँ मैं कैसा है, देखो कितना गंदा हो रखा है, इसको साफ करना पड़ेगा।
फाइनली मेरा कूलर फिक्स हो गया है। इस कूलर से सीधा यहाँ पे नीचे भी हवा आएगा और सीधा ऊपर बेड पे भी हवा आएगा। और मैं हो गई हूँ अभी एकदम टेंशन फ्री कि मेरे मम्मी और मौसी लोग जब अभी आएंगे, अगर उनको ज़्यादा गर्मी लगेंगी तो कूलर चला दूँगी, अगर नहीं लगेगी तो फैन चला दूँगी। सब कुछ तैयार हो गया है, शाम भी हो गया। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मेरी नानी जो है वो थोड़ी पतली है और मौसी मुझसे ज़्यादा पतली है, तो नानी और मौसी इस पे एडजस्ट करके सो जाएंगे। और नीचे मैंने बिछाया है, यहाँ पे दो दो गद्दा होता था, एक गद्दा मोटा वाला यहीं पे है और पतला वाला गद्दा जो है यहाँ बिछा दिया है, और जो कंबल जो मैं विंटर में पहनती थी वो यहाँ बिछा दिया है। इसको मैं अभी ट्राई करके इसलिए देख रही हूँ कि अब जब घर पे चार लोग आएंगे तो बैठना भी होगा, इस बिस्तर पे तो चार लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जो भी है मेरे पास अभी उसी में ही एडजस्ट करते हैं। वैसे भी अलग मिडिल क्लास फैमिली, हमारे ऐसा कुछ नहीं चलता कि नहीं मैं नीचे नहीं सोऊंगा, ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। सो आई एम वेरी हैप्पी मेरे पास एटलीस्ट ये तो है, मम्मी लोग आराम से नीचे सोएंगे तो सही गद्दे के साथ। यहाँ पे हो गया हमारा बड़ा बिस्तर, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ पे तीन, तो मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी फैला के सोएंगे मगर एडजस्ट करके तो ज़रूर सो जाएंगे। ये मैं एक बार ट्राई कर रही हूँ और अभी उनके आने को सिर्फ एक दिन बचा है, तो मैं एक दिन पहले ही ऐसे रख दूँगी ताकि वो लोग जब आए सीधा वॉशरूम के अंदर जाए, हाथ मुँह धो के आराम से आराम करेंगे, बैठेंगे फिर यहीं पर सोएंगे, फिर खाने के लिए न्यूज़पेपर ले आऊँगी। जस्ट ट्राई टू फिट। बेस्ट है, लेट्स ट्राई टू स्लीप, इट्स गुड। अब इस साइड से सोने की कोशिश करूं, बेस्ट है, गुड। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इसके बाद आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी एक दिन बाद ही वो लोग दिल्ली में आ जाएंगे और मेरा सैलरी भी 1 तारीख को आ जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे पास जितने पैसे रहेंगे उससे मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनको घुमाऊँगी और शॉपिंग करवाऊँगी।